हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा जो है ना पुराना वीडियो है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ें थी इस ब्लॉग में, तो मैं सोचा था कि मैं नहीं शेयर करूँगी, बट फिर आज जब ब्लॉग एडिट करने बैठी तो देखा कि सारे क्लिप्स यहाँ पे है, तो सोचा कि चलो ये भी शेयर कर लिया जाए आप सबके साथ। तो ये जो व्लॉग है ये पोले के दिन वाला व्लॉग है, जो पहले दिन का जो पोला होता है ना उस दिन का व्लॉग है। तो मैं ये वाले जो है ना ये पत्ते तोड़ के ला रही हूँ, इससे जो है ना मैं प्लेट बनाऊँगी, जिसको पत्राड़ बोलते हैं वो बनाऊँगी। इसी में जो है ना आज के दिन बैल को जो है वो खाना खिलाया जाता है, भगवान जी को खाना खिलाया जाता है। साथ ही में जो ये पेड़ होता है ना, इसकी जो है ना टहनियाँ तोड़ के लाई जाती है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, ट्रेडिशनल चीज़ें सारी, मतलब है पहले से मानते आ रहे हैं। दरवाजे पर सुबह सुबह इसको लगाया जाता है पोले के दिन पे, तो हम लोगों ने वही लगाया है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लेट बना ली है। ये दुकान में मिलती भी है आज के दिन पे, किसी भी पूजा वूजा में भगवान को इसी में खाना खिलाते हैं, मिलती भी है, बट मुझे ये बनाती आती है पहले से ही, तो फिर मैंने घर में ही बना लिए। देखो ये इसमें जो है ना एक मैं बैल की जो जोड़ी आती है उनको खाना खिलाऊंगी, और एक छोटा सा वाला मैंने भगवान जी के लिए बना लिया है, ऐसे दो बना लिए हैं। अभी मैं इसको रखूँगी, वॉश वगैरह करूँगी ताकि शाम तक सूख जाएगा। और उसके बाद में मैंने घर में झाड़ू पोछा लगा लिया, और सबसे पहले मैं रंगोली डालने आ गई थी। क्या है ना त्योहारों के दिन में सुबह सुबह अगर घर में झाड़ू पोछा होकर रंगोली वगैरह डाल लेते हैं ना, तो त्योहारों वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार आज कुछ तो अच्छा है घर में, ऐसे करके जो है ना बहुत, और एकदम पॉजिटिविटी सी घर में फैल जाती है। और आज जो है पिकू का स्कूल था, पिकू स्कूल में गई हुई थी, विवेक आज घर पे थे, और बस यहाँ पे टप्पू भी था, टप्पू खेल रहा था, और मैं अपने काम किए जा रही थी एक के पीछे। आज के दिन क्या होता है ना, डबल डबल खाना बनाना होता है, थोड़ी भाग दौड़ हो जाती है। तो इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे प्यारी सी छोटी सी एकदम रंगोली डाली है दरवाजे के आगे में, और एक तुलसी माता के आगे में भी एक छोटी सी रंगोली डाल दी है, और बस एकदम रौनक सी आ गई है घर में। बस अभी विवेक नहा के आएंगे तो वो नहा ये कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। मेरे अभी थोड़े बहुत काम बाकी है, तो मैं पहले वो काम करूँगी और उसके बाद में जाके लास्ट में नहाऊँगी। तो ये दरवाजे के बाजू में इस तरीके से रखे हुए हैं, और बस अभी शाम के खाने के लिए मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। तो जैसे कि ये पत्ते हैं, तो ये मसाला वाले पत्ते होते हैं, इसकी जो है ना बढ़िया बनती है, सब्जी बनती है इसका जो है ना, मराठी में इसको उकड़ पेंडी कहते हैं, मतलब उपमा टाइप में वो भी बनता है। तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ इसका फ्राई, क्योंकि ये बहुत कम है तो इसमें बड़ी वगैरह कुछ नहीं बनेगी, बट ये जो है ना आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वजह से जो है ना इसको बनाया ही जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं आफ्टरनून के खाने की जो है ना प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि विवेक की जो है ना आज आफ्टरनून की शिफ्ट है, वो दोपहर के 2:30 बजे जाएंगे ड्यूटी पे, तो मैं बस उनके टिफिन की जो है ना यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। उनका खाना बन जाएगा तो फिर उसके बाद में फिर मैं शाम के खाने के लिए जो है ना तैयारियाँ करूँगी, पूजा पाठ सारी चीज़ें आराम से करूँगी। तो बस आज के खाने में बस मैं सिंपल सिंपल सी चीज़ें बना रही हूँ, और रोटी सब्जी दाल चावल जो है ना वो बना दूँगी विवेक के टिफ़िन में, वो खा के भी चले जाएंगे और लेके भी चले जाएंगे, और साथ ही में जो है ना बच्चे भी खा लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने सबके लिए जो है ना सबसे पहले यहाँ पे ये बनाया था खाने के लिए, क्या कहते हैं इसको, जो है ना मूंग होती है ना वो फ्राई करके मैंने यहाँ पे बनाई है, और सारे लोग जो है ना इसको आराम से जो है खा रहे हैं। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे खाना भी बना के रख दिया था, जैसे कि देखो रोटियाँ बनाई थी और सब्जी बनाई थी। तो सब्जी में मैंने आज क्या बनाए थे पता है, दाल पालक बनाए थे मैंने, और क्योंकि विवेक का ये फेवरेट है तो मैंने दाल में पालक डाल के बनाए थे तड़के वाली, और रोटियाँ और चावल, बस इतना ही खाना बनाया था। और काम के चक्कर में इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो यहाँ पर बैठ के नींबू पानी बनाया सब लोगों के लिए, और सब लोगों ने यहाँ पर बैठ के नींबू पानी पिया। आजकल हमारे घर में जो है ना नींबू पानी ज़्यादा पी रहे हैं सब लोग, क्योंकि जो है ना मतलब मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है, तो हर बार मैं चीनी नमक वाला नींबू पानी पीते रहती हूँ, तो मेरी वजह से सबको अभी ये लग गई है आदत। मतलब से थोड़ा सा भी कोई थक जाता है सब लोग कहते हैं यार नींबू पानी बना दो, सब लोग मिलके नींबू पानी पियेंगे। तो यहाँ पे चारों के ग्लास में मैंने नींबू पानी बना लिया है। सो अभी 1:30 बजते आ गए हैं और मेरे सारे जो काम है ना वो हो चुके हैं, और खाना वाना भी बना दिया है, टिफिन विवेक का जो है वो पैक हो चुका है, और मैं अभी बैठ गई हूँ शाम के खाने की प्रिपरेशन करने के लिए। शाम का खाना जो है मैं थोड़ा जल्दी चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि विवेक अभी ड्यूटी पे जाएंगे, उनका टिफिन विफिन पैक करा दिया, वो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं टप्पू के साथ में। तो शाम में जो है विवेक भी नहीं रहेंगे, और मैं जो ना दोनों बच्चों को देख के खाना बनाऊँगी, तो फिर बहुत मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगी एक 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 बनाना। मैं सोचा अभी सबसे पहले बैठ के चॉपिंग करूँगी, तो मैं दो सब्जियाँ बनाने वाली हूँ,
एक तो ये बनाऊंगी, हम लोग इसको दौड़ के बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं इसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं। तो इसकी सब्जी एक सूखी आज के दिन बनाई जाती है, उसके बाद में ये जो पत्ते होते हैं ना, इसकी वड़ी बनाते हैं या तो फिर ऐसे उपमा के टाइप भी बनाते हैं, तो मैं वही बनाऊंगी क्योंकि बहुत कम पत्ते हैं, सिर्फ 4 ही पत्ते हैं मेरे पास, क्योंकि इसका भी आज के दिन मान होता है, ये आज बनना ही चाहिए घर में। तो बस ये सारी चीज़ें बनाऊंगी और मसाले बैगन वगैरह से एक दो आइटम बनाऊंगी। तो अभी मैं सबसे पहले बैठ के शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं सब्जियाँ चॉपिंग करने के लिए। फाइनली मैं सारी चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। यहाँ पे विवेक को खाना भी दे दिया है, मैंने पूजा वूजा कर ली है, नहा धो के आ गई हूँ, रेडी हो गई, त्यौहार है तो साड़ी पहन ली है मैंने। और अभी जो है मैं यहाँ पे शाम के खाने के लिए जितनी चॉपिंग वॉपिंग करके रखनी है वो करूँगी। तो ये मसाले वाले पत्ते इसको बारीक बारीक चॉप करके मुझे बनाना है, तो बस वही बारीक बारीक इसको चॉप कर ले रही हूँ। और साथ ही में ये जो है ना, इसकी भी सब्जी बनेगी, इसको आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है आज के दिन में जो है ना, पोले के दिन में ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्याज लहसुन वगैरह, ये सारी चीज़ें चॉप करके रख दो ना, तो फिर टाइम पे खाना बनाने के लिए जो है ना बहुत ही आसानी हो जाती है। फटाफट से तड़का लगाओ एंड जो है ना खाना रेडी हो जाता है। और मैंने जो है ना वड़े बनाने के लिए दाल वाल भी भिगो के रख दी है ताकि मैं फटाफट से बना लूँ। आराम से आराम से, हो गया ओ हो गया क्या भाभी, बंद कर दो। तू नंदी पाशी उभी राहना, तिकडून उभी राह तशी त्याच्यापाशी। दाखो बाबू इकडे, टप्पू इकडे दाखो, टप्पू इकडे बघ, त्याची सबडी भात ऐकायची आता। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना 9:15 कुछ बजते आ रहे हैं मे बी, हाँ देखो 9:35 हो गए हैं, दिखता ही नहीं ऐसा मेरे, नहीं क्या इसका बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है ना, दिखता ही नहीं है। देखो 9:35 हो गए हैं फाइनली। अभी थोड़ा सा मेरा जो है ना टेंशन कम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। इससे पहले वाली आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है। तो एक्चुअली जो है ना टप्पू को चोट आ गई है 5:30 बजे के आसपास। जो है ना मेरा खाना वाना बन गया था, बर्तन साफ करके मैं जो हूँ ना झाड़ू वाड़ू लगा दिया, सब कुछ हो गया था। बस अभी मैं फ्रेश होके ही बाहर निकली थी और ये लोग मेरे सामने ही खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जो है ना टप्पू और पीकू जो है ना आपस में ये हो गए ना, क्या बेटा कौन सा डब्बा बेटा है, तो खेल रहे थे। तो टप्पू और पीकू जो है ना आपस में टकरा गए। टप्पू और पीकू जो है ना आपस में टकरा गए और टप्पू जो है ना इतनी तेज गिरा, मैं वहीं पर थी, मेरे पैर के पास ही आके जो है ना वो बहुत ही जोर से गिर गया, इतने जोर से गिर गया कि इसके ऊपर वाले जो दांत है
वो इस नीचे वाले होंठ में लग गए और पूरे गड्ढे, मतलब 3 या 4 कुछ गड्ढे हो गए हैं नीचे, और उसमें से ब्लड, मतलब वो जैसे गिरा मैंने वैसे उसको फटाक से उठाया, मेरे पैर के पास ही आके गिरा वो, मैंने उसको वैसे ही उठाया, और उठाते बराबर पूरा यहाँ से ब्लड और ऐसे मतलब एकदम से धार लग गई ब्लड की, मुंह में पूरा ब्लड जमा हो गया, पूरी उसकी टी शर्ट खराब हो गई। का बेटा काटो, ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, आजू बाजू वाले जितने भी थे। तो जो है ना ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मैंने भागते भागते जो है कपड़ा लेके गई, कपड़े से उसको दबाया, हाथ से दबाया, मेरा पूरा हाथ ब्लड से ख़राब, मैंने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी जो है ना यहाँ से ब्लाउज पूरा ब्लड से ख़राब हो गया है, टप्पू की टी शर्ट ख़राब, बहुत ये हो गया। और मेरे साथ में एक आंटी थी, मतलब वो वहीं पर बैठी हुई थी, तो उनका भी पूरा हाथ वगैरह ब्लड से ख़राब हो गया। आजू बाजू वाले सब लोग, दीदी भाभी लोग आ गए थे, मतलब क्या हो गया करके, और बस टप्पू को हम लोग संभाल ही रहे थे कि बस टप्पू के लगने के बस 2 मिनट के अंदर पीकू सब कुछ देख रही थी, और पीकू को ब्लड देखा नहीं जाता है, पता नहीं उसकी क्या एक प्रॉब्लम है, पीकू से ब्लड नहीं देखा जाता है, और उसके भाई को लगा है तो वो ज़्यादा डर गई, ब्लड से कम डरी होगी शायद, उसके भाई को लगा है उससे वो ज़्यादा डर गई। और मेरे बाजू में खड़ी थी पीकू, और मैं टप्पू खड़े खड़े उसको संभाल रही, चुप कर रही थी, और पीकू ने अचानक से मुझे आवाज़ दिया, कहा बेटा चल। टप्पू को जो है ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया है, देखो इसके होंठ में पूरे ऐसे जो है ना गड्ढे गड्ढे हो गए, और होंठ पे तो से कर पा बोला दू खिलना, स्वेलिंग आ गई है पूरा से, हाँ आ गई है, दुखता है ना, मम्मी तुला मटलो ना चलो को करू बाबू। तो जो है ना पीकू जो है मेरे बाजू में ही खड़ी थी, और पीकू ने मुझे आवाज़ दिया, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड उसने जैसे ही ऐसे बोला मैंने उसकी तरफ देखने ही गई, मेरे बाजू में थी वो देखने गई, तो बस वो गिरने ही वाली थी, मैंने फटाक से उसको एक हाथ से पकड़ लिया, एक गोद में जो है ना टप्पू ऑलरेडी था मेरे, मैंने उसको फटाक से पकड़ लिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं, पीकू बेहोश हो रही थी और टप्पू गोदी में था, कुछ नहीं, वो बाजू वाली दीदी वैसे ही उन्होंने देखा, और जो है ना तोड़ूँ दूँ मैं तोड़ूँ दूँ, वो दीदी भागते हुए आए, उन्होंने पीकू को पकड़ा, और जो है ना पीकू को उठा के उन्होंने चेयर पे बिठाया, वहाँ पे चेयर थी, आंटी बैठे थे तो चेयर पे बिठाया, वो आंटी भागते हुए इसके कान ढके, बाजू वाली दीदी ने आया पानी लेके आए, पानी मारे इसके मुंह के ऊपर, कोई हाथ रगड़ रहा है, पैर रगड़ रहा है, एक भाभी आए उन्होंने सर पे तेल डाल के दिया, मतलब जिसको जो समझ रहा था वो सब लोग कर रहे थे, इसके मुंह पे पानी डालने का, इसके कपड़े गीले थे तो सबने कपड़े वगैरह बदल के दिए पीकू के, जिसको जो जो समझ में आ रहा था कि ये करना चाहिए, तो वो मतलब अपने अपनी हर कोई कोशिश कर रहा था, सबने बहुत ये किया, मतलब भाग के आगे टप्पू मुझसे संभल लिया, टप्पू मेरे बिना किसी के पास जाता भी नहीं है, कोई ले रहा था किसी के पास जा नहीं रहा था, कोई चॉकलेट ला के दे रहा था इसको, कोई कुछ ला के दे रहा था फिर भी नहीं मान रहा था ये, मतलब वो आधा घंटा मैंने ऐसे निकाला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पीकू ने पूरे हाथ पैर ठंडे कर दिए थे, हाथ उसके काँप रहे थे, वो कह रही थी एक हाथ में पूरी चींटियाँ आ गई है, और ऐसे थर थर उसके हाथ काँप रहे थे, और मुंह पूरा टेढ़ा लेके जा रही थी, पूरे दांत वात उसने फिक्स कर लिए थे, आंखें जो है ना आंखें पूरे उसने सफ़ेद कर लिए थे, कुछ नहीं समझ रहा था मैं पीकू को पकड़ूँ या टप्पू को चुप कराऊँ, और टप्पू बिल्कुल कंटिन्यूसली रो रहा था, उसको पेन हो रहा होगा, एंड उसका जो है ना साथ ही में ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों ने सारे उपाय कर लिए, जो भी करना है कोई भी कर रहा था, नारियल का तेल लगाओ, कोई कह रहा था कि हल्दी लगाओ, बर्फ से सेको, सब कुछ कर लिया, हर कोई कुछ ना कुछ ला के दे रहा था, ये लगाओ ये करो वो करो, सब कुछ किया, बट जो है ना वो ब्लड रुक नहीं रहा था, वो चुप नहीं रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि अभी मुझे विवेक को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि पीकू की तबीयत बढ़ती मतलब ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, मैंने विवेक को फ़ोन किया, और मुझसे फ़ोन भी नहीं लग रहा था, मेरी जो बाजू वाली दीदी है उन्होंने विवेक को फ़ोन किया, बताया ऐसे ऐसे हुआ है, और विवेक को भी आज छुट्टी, क्योंकि आज पोले का दिन है, उनके भी कंपनी में काम होता है, इसलिए मैं छोटे मोटे चीज़ों पे फ़ोन नहीं करती हूँ, बट जब मुझसे नहीं मैनेज होता तभी मैं फिर फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना घर में मेरे अलावा विवेक के अलावा कोई भी नहीं है, फिर मुझसे जब नहीं मैनेज होता तो फिर आखिरी मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन विवेक ही है, तो विवेक को भी छुट्टी नहीं मिलती, बट उन्होंने बड़े मुश्किल से छुट्टी लिए, वो आए एंड उन्होंने देखा पीकू का हाल, टप्पू का, पीकू को पकड़ो टप्पू को पकड़ो, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था, बड़े मुश्किल से टप्पू को शांत किया, पीकू को शांत किया, एंड फिर उनको वापस जाना था, उनको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिली थी, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा है, उनको काम पे जाना जरूर था, फिर वो 1 घंटे में वापस चले गए, और उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा ही होगा जोड़ी बूढ़ी आई थी, मतलब जो गाय आती है बैल जो है ना, एक ही आया था नंदी, वो आया, मैंने उसकी पूजा की, मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं की थी, कुछ रेडी नहीं हुई, खाना बना हुआ था, बस पूजा करके खाना वाना उसको खिला दिया, और बस फिर वो चली गई, और फाइनली सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ये चीज़ें,
कि ऐसा सब कुछ हुआ था और अभी बच्चे ठीक है फिलहाल। उसको चोट तो है बट वो ठीक है अभी। उसके घोटों पे देखो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और इस तरीके से जो है ना, हाँ कहीं नहीं, घोटों पे गड्ढे हैं। और पीकू भी ठीक है, पीकू अभी जस्ट खाना खाई है, मैंने उसको खाना दिया था, खाना खा के आ गई पीकू। पीकू बड़बड़ता है बेटा, थोड़ा 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 ठीक लग रहा है। और पीकू ऐसे बड़बड़ाए रही थी, मतलब उसके वो दांत टाइट हो रहे थे, आँखें सफ़ेद हो गई, थर थर काँप रही थी वो, मुंडी उंडी पूरा टेढ़ा कर रही थी, मुंह टेढ़ा कर रही थी, बट वो एक ही बोल रही थी, मम्मी दादू ठीक हो जाएगा, मम्मी दादू, मतलब हम लोग दादू बोलते हैं इसको घर में, मम्मी दादू ठीक तो हो जाएगा ना, दादू ठीक तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत डर गई थी पीकू। पीकू क्या, मैं इतनी डर गई थी तो मैं क्या बताऊँ, बट जैसे पीकू हुई ना मैं ज़्यादा डर गई, मतलब टप्पू को संभालो, पीकू को संभालो, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बहुत मुश्किल। और वो आधा घंटा जो गया वो इतना मुश्किल वाला गया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत। बट अभी फाइनली सब कुछ ठीक है भगवान की इससे, बस यही ये है। और बस मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग के साथ में। विवेक ड्यूटी गए, अभी आएंगे वो टाइम में, उनको अभी आने में, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, मैं बाद में विवेक आने के बाद में उनके साथ ही खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अभी बच्चों को थोड़ी देर खेलने दूंगी मैं, फिर उनको सुला दूंगी। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ। और आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए टप्पू को और पीकू को, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आजकल हम लोगों को ब्लेसिंग की, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ होते ही जा रहा है, इसीलिए। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ। तो इन सारे चक्करों में जो है ना, मैंने आपको खाना आज दिखाया नहीं ना, रेसिपी शूट की, वैसे तो रेसिपी के लिए बहुत टाइम हो रहा था और वैसे भी हर बार दिखाती हूँ तो मैंने दिखाया नहीं, तो चलिए अभी दिखा देती हूँ। मैंने खाने में एकदम सिंपल बनाया था, सब लोगों का खाना हो चुका है अभी। तो ये मसाले बैंगन की सब्जी बनाई थी, थोड़े से पकौड़े भजिए बनाए थे बेसन के जो होते हैं ना वो, दाल के बड़े, और ये जो है ना, ये हम लोग इसको दौड़ के कहते हैं मराठी में, उसकी सब्जी, सूजी का हलवा बनाया था, और उसी के साथ में जो है ना, जो मैंने पत्ते दिखाए थे आपको उसका इस तरीके से उपमे के जैसे हम लोग बनाते हैं वो बनाया था। साथ ही में चावल भी बनाए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना खाते ही, कुछ भी रहते भी बच्चों को चावल चाहिए ही होता है। उसी के साथ में कढ़ी बनाए थे और वड़े बनाए थे।